हेलमेट का महत्व जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस बार इस अभियान में वैलेंटाइन डे के मौके पर मोसेस चिनप्पा फाउंडेशन द्वारा ट्रैफिक रोड सेफ्टी अभियान के तहत खुली हुई कार में हेलमेट का जखीरा रखकर बिना हेलमेट राह चलते लोगों को हेलमेट देकर उनके हेलमेट का महत्व समझाया जा रहा है। आयोजक मोसेस ने बताया कि आज रोड पर ज़्यादातर मौतें बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर होती हैं। कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं जबकि कितनी बहनें विधवा हो जाती हैं, लेकिन लोग 2 लाख की बाइक खरीदते हैं लेकिन 500 रुपये का हेलमेट नहीं पहनते। कड़ी में आज मोसेस चिनप्पा जी ने जो आज ये हेलमेट को लेकर लोगों को जागरूक अवेयरनेस कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं आप? 32वें रास्ता सुरक्षा अभियान, ये अभियान हर साल में महाराष्ट्र शासन से, केंद्र शासन से, पूरा भारत में, महाराष्ट्र में पूरा हर साल में एक महीने का फंक्शन रहता है। जन जागरूक के लिए ये फंक्शन रहता है। हम लोग ये महाराष्ट्र शासन से और केंद्र सरकार से आदेशानुसार ये पूरा महाराष्ट्र में हम लोग ये रास्ता सुरक्षा अभियान चालू किया है, लेकिन दिनांक 18/1/2021 से 17/2/2021 ये एक महीने का जो रास्ता सुरक्षा अभियान है, ये हमारे ये सब पुलिस अधिकारी, हमारे पुलिस अमलदार और इतने मेरा बहेंद्र में जितने संस्था है, ये संस्था ये हमारी हेल्प करते हैं। इनके साथ में हम लोग हर हर नाके पे और हर रेलवे स्टेशन पे, ये एस टी स्टैंड पे ये करने का कारण ये है कि हर के सबके घर पे मोटरसाइकिल, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर वाहन रहते हैं। इसके वजह से हम लोग क्या करता है कि टू व्हीलर जिसके पास गाड़ी है वो लोग हेलमेट पहनते नहीं, हेलमेट नहीं पहनने का इसके लिए एक्सीडेंट हो जाता है, ये तकलीफ कुटुंब को हो जाता है और परिवार को तकलीफ हो जाता है। इसके लिए ये हम लोग या एक जन जागरूकता के लिए हर नाके पर ये फंक्शन चालू किया है। दूसरी बात है कि जिसके पास फोर व्हीलर है वो लोग सीट बेल्ट लगाते नहीं, और सीट बेल्ट नहीं लगाने के बाद अचानक गाड़ी के सामने छोटे बच्चे आते, स्कूल के बच्चे आते और बूढ़े लोग आ जाते और पाई चलने वाले लोग आते, अचानक ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया तो उसका पीछे बैठने वाले ड्राइवर को कुछ हत्या होता है, इसके लिए तकलीफ हो जाता है। इसके वजह से ये जन जागृति के लिए ये हर साल में ये हम लोग फंक्शन रखा है और रख जाता है। एग्जैक्टली मोहित भाई को पहली बार तो बहुत शुक्रिया है, क्योंकि हमारा तो काम ही है रोज का कि हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, बट लोगों का एक ही कॉमन आंसर रहता है कि हमारा एक घर के बाजू में रहते हैं तो हम क्यों हेलमेट पहने, बट हेलमेट हमारे सर के लिए है। बहुत बार हमें यही उनको बोलना पड़ता है कि हेलमेट पहनते क्यों, इसका मतलब तो आपको मालूम है क्या, तो उनको नहीं मालूम रहता हेलमेट क्यों पहनते हैं, हमारे सर के लिए। वो सर मतलब हम हाईवे पे जाए या सिटी में, गिरना तो घर के बाजू में भी गिर सकते हैं, मतलब हेलमेट का उनको हेलमेट क्यों पहनना चाहिए ये मतलब मालूम होगा तो ही हेलमेट पहनेंगे। इनको मालूम नहीं है तो वो हमें आंसर बार बार वही बोलते हैं कि हम सिटी में है क्या मैडम, आप क्यों फाइन के लिए मत हेलमेट पहनो, अपने सिक्योरिटी के लिए पहनो। मैडम कोरोना काल तो बहुत सारा परसेंटेज निकल गया है, हमको जितना हो सके मैंने 99% हेल्प किया है, और हमारे जैसे मित्र है चिन्नप्पा सर उनसे इंस्पिरेशन लेके हमेशा काम किया हो, जितना हो सके उतना मैं कोशिश किया हूँ। और रिगार्डिंग द हेलमेट, द वर्क विच ही हैज़ टेकन इन द हैंड इज रियली अप्रिशिएबल, कि उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं। मेरा हॉस्पिटल है हाईवे से केवल 200 मीटर पे सॉरी आशीष हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी, उसमें 5-बेडेड ICU है। उसमें मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि कोई केसेस वैसे ही से पूरा ब्रेन डैमेज होके यहाँ पे डाल के एम्बुलेंस वाले निकल भी जाते हैं, कोई केसेस लापरवाही से ड्रिंक्स लेके भी, ड्रिंक ड्राइविंग में भी बाइक पे एक्सीडेंट होके उनके भी पूरा हालत ख़राब हो जाता है। और एक केस वैसे ही से आया था, उनके फ्रेंड्स में डाल के लेके गए थे, लेकिन ऐसे केसेस को भी हमने लिया है। लेकिन दुख ये होता है कि वाई नॉट हेलमेट, इफ़ यू हैव अ हेड यू शुड हैव अ हेलमेट। तो बहुत बड़ा तकलीफ होता है। कभी कभी यंग ब्रिगेड्स रहते हैं, कुछ अच्छे बाइक्स रहते हैं, बाइकर्स रहते हैं, दे आर नॉट यूजिंग हेलमेट, बट द चिनप्पा सर ने जो फाउंडेशन चालू किया है उससे लोगों को बहुत चीज़ इंस्पायर होना चाहिए। एक लेके 10 लोगों को मैसेज देना चाहिए कि हेलमेट इज मस्ट, इट इज अ कंपल्सरी रादर। तो क्या जो है ये सत्य घटना सत्य है, और जो मुझे चिनप्पा जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ उनका किधर न किधर तो बैनर लगता है, आज ये काम किया वो काम किया, और ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी जरूरी है। और ये काम आज मुझे चिन्हप्पा जो कर रहे हैं
उसके लिए मैं उनके थैंक्स बोलता हूँ और उसको शाबाशी देता हूँ। आपको क्या लगता है हेलमेट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए? ऐसे कितने एक्सीडेंट आए जो उसने हेलमेट नहीं पहना वो तुमको कोई बचने का कोई उम्मीद नहीं हुई। अगर हेलमेट है तो आदमी बच भी सकता है। तो यही समझ के बोलो क्या हेलमेट कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत ही सराहनीय कार्य है। देखिए पुलिस अकेली हर जगह नहीं पहुंच सकती, उनको इस तरह से एनजीओज और दूसरे लोगों की ज़रूरत होती है ताकि ये संदेश लोगों तक पहुंचे। और मोजिस सिर्फ संदेश नहीं दे रहा है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकली ये हेलमेट भी दे रहा है सबको। जिन्होंने हेलमेट नहीं डाली है वो हेलमेट डाल के अपनी सेफ्टी, यानी ये है कि आप लोगों की सेफ्टी के लिए चिंतित हो इसलिए यहाँ हेलमेट बांटी जा रही है। बहुत सुंदर संदेश भी है, क्योंकि अक्सर एक्सीडेंट इसलिए होते हैं कि हम ड्राइविंग के समय मोबाइल यूज़ करते हैं, हम टू व्हीलर्स के समय हेलमेट नहीं पहनते। तो ये सेफ्टी वीक में मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मोजिस और पूरी टीम को अभिनंदन देना चाहूँगी, सराहनीय कार्य कर रहे हैं, इसी तरह से सुंदर कार्य करते रहे। और पुलिस की सहायता नहीं, ये लोगों की भी सहायता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगी, बहुत अभिनंदन दूंगी कि बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। कार्य कर रही है वहीं पर मोजिस चिनप्पा फाउंडेशन, जिस तरह से लोगों को अवेयर कर रहा है, हेलमेट के लिए अवेयर कर रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये मुहिम जो उन्होंने छेड़ी कितनी अच्छी है? मैं सबसे पहले पुलिस प्रशासन परिवहन विभाग का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस बार एक वीक की जगह एक मंथ का जो सेफ्टी मंथ रखा गया है वाहनों के लिए, उनके लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं साथ ही साथ मोजिस चिनप्पा जी का भी धन्यवाद करता हूँ, उनके फाउंडेशन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। केवल हिस्सा ही नहीं लिया, अवेयरनेस के साथ साथ कुछ जगह पे हेलमेट का वितरण कर रहे ताकि ये आदत सभी को लगे। और हेलमेट जो है हमारे लिए बहुत सुरक्षा का काम करती है। ये बात सत्य है कि हर आदमी को लगता है कि मुझे क्या होने वाला है, कल कुछ नहीं होगा, लेकिन जब भी होता है वो कल ही होता है, वो पता नहीं होता किस क्षण क्या होगा। इसलिए जितने बाइक पे जाते हैं तो रोज़ आए दिन एक्सीडेंट होता है, वो किसका होगा हमें पता नहीं होता है। वो हमेशा कोई हम में से कोई ना हो, हमारे परिवार के लोग हमारा इंतज़ार करते रहते हैं। इसलिए सबसे यही कहूँगा कि आप सभी लोग जो है अगर टू व्हीलर चलाते हैं सारे नियमों का पालन करें, हेलमेट पहने, बाकी नियम है उनका भी पालन करें, चाहे फिर वो एनवायरनमेंट की दृष्टि से आपके पीयूसी की बात हो या अन्य बात हो। मोजिस जी को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने एक अवेयरनेस का प्रोग्राम लिया। एंड सच मायने में अगर वाकई में अगर पूछा जाए किसी भी नियम को बदलना है, कायदा बदलना है, तो कितनी भी सख्त सरकार आ जाए या कितना भी सख्त पुलिस प्रशासन हो जाए, कितनी भी पेनल्टी करे, इससे कभी भी कायदा नहीं बदल सकता है, कभी भी नियमों का पालन नहीं हो सकता है। ये मात्र तभी हो सकता है जब इसके अंदर देश का हर व्यक्ति अपनी जवाबदारी समझे, शहर का व्यक्ति, हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझे कि ये नियम जो बनाए गए हैं ये मेरे परिवार के और मेरे सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, तभी इसका निवारण हो सकता है। बस मैं आपसे आज इतनी ही अपेक्षा करता हूँ कि सभी लोग नियमों का पालन करें। ये नियम जो है हमारे और हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए है। फिर एक बार मोजिस चिनप्पा जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये व्यक्ति का इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ, जहाँ वैलेंटाइन में एक तरफ लोग चॉकलेट बांटते, गिफ्ट बांटते और ये हेलमेट बांटते नज़र आ रहे हैं, तो इनको मैं हैप्पी वैलेंटाइन डे कहूँगा कि इस वैलेंटाइन से किसी भी व्यक्ति की अगर जान बचती है तो वो अपने आप को बहुत खुश समझे। मीरा भाईंदर के जो ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने मुझे प्रेरित किया है। तीन हफ्ते से मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने ट्रैफिक सेफ्टी जो वीक होता है उसको इस साल उन्होंने मंथ में रखा है। तो नॉर्मली रोड सेफ्टी वीक होता है या तो उन्होंने पूरे शहर में होता है, तो इस साल उन्होंने रोड सेफ्टी मंथ रखा है। तीन हफ्ते हो गए, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मैं यूथ से कनेक्टेड हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने हेलमेट वितरण किया है, रैली की, जन जागरण की, रोड शोज़ किए, तो मैंने देखा कि जो मेरी जीप से, एक दो मेरी पर्सनल जीप से, तो लोग जब भी मैं निकलता हूँ तो लोग देखते हैं महीने में एक बार बच्चों को लेके जब मैं घूमता हूँ। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट आया कि अभी वैलेंटाइंस वीक है और लोग टेडी बेयर दे रहे हैं, चॉकलेट्स दे रहे हैं, लोग हग डे मना रहे हैं, प्रॉमिस डे मना रहे हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हेलमेट, जिससे आप प्यार करते हो, अगर अनफॉर्चुनेटली अगर उनका कुछ एक्सीडेंट होता है और उनके हाथों में कुछ चोट आती है, सर पे मार लगता है, तब क्या करें? तो कहीं ना कहीं मुझे लगा, जब मैं देखता हूँ, जैसे आप अभी देख भी सकते हो, अगर यहाँ से 50 बाइक जाएगी
50% लोग हेलमेट नहीं पहनते, और उसके अलावा अगर आप देखोगे पिलन राइडर को तो लगता है मुझे हेलमेट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग जो है वो हेलमेट को पुलिस के डर से पहनते हैं। तो मैं चाह रहा था कि आज मैं एक रैली निकालूं जहां पर मैं लोगों को मैसेज दूं कि हेलमेट आपकी जान के लिए, पुलिस के डर से हेलमेट मत पहनो, अगर पुलिस के डर से पहन रहे हो तो आप फाइन दे दो, लेकिन अगर आपको जान की फिक्र है तो आप प्लीज़ हेलमेट पहनिए। आप कोई भी डॉक्टर से पूछिए, बड़े हॉस्पिटल्स में जाइए जहाँ पर एक्सीडेंट केसेस होते हैं, वहाँ पर जो पेशेंट ने अगर हेलमेट पहना हो तो उसके हाथ पांव टूट जाते हैं या कुछ फ्रैक्चर होता है, रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आपके सर में मार लगता है और आपने हेलमेट नहीं पहना है, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी टाइम वो गुजर जाते हैं या वो वेंटिलेटर पे रहते हैं, पूरे परिवार पे आप बोझ बन जाते हैं। और आप देखोगे नॉर्मली जो बाइक्स पे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर मिडिल क्लास, जो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते या जो ट्रैफिक को बचने के लिए जल्दी निकलते हैं। आप मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो सोशल वर्कर हूँ, शिवसेना से जुड़ा हूँ, वहाँ का शाखा प्रमुख हूँ, मैंने देखा है कि काफ़ी बार लास्ट ईयर भी करीबन मेरे जान पहचान में 10 से 12 जन गुजरे, देवर दी ओनली अर्निंग मेंबर। और एक बात ख्याल है यार, काश उसने हेलमेट पहना होता। सो इट इज़ सो स्टूपिड कि लोग हेलमेट को इतना महत्वपूर्ण जो चीज़ है उसको दे नहीं रहे। मैं तो चाहूँगा कि सरकार एक दिन हेलमेट डे डिक्लेयर करे। लोग हंसेंगे मैं कह रहा हूँ, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखो अभी परसों मैं बुलेट के शोरूम में गया था, वहाँ पर मैंने ऐसी, क्योंकि मैं कैंपेन कर रहा हूँ, मैंने एक बोला कि एक नया हेलमेट ले लेता हूँ कैंपेन में अच्छा लगेगा, तो मैंने पूछा कि सर आपकी बाइक्स कितनी बिकती है, तो उसने कहा कि महीने में अभी कोविड के कारण 30 से 35 ही बिक रही है। मैंने बोला हेलमेट कितना बिकता है, बोला 2-3 जाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं वो गणित में और जो लोगों की सोच है और जो मेरे मन में डाउट था वो क्लियर हो गया कि 35 बाइक बिकती है लेकिन हेलमेट खाली 3 बिकता है, और वो भी 3 मुझे पता है कि घर में पड़ा रहेगा। अच्छा माँ बाप को भी देख लो, आया वो उनसे कि दे आर केयरलेस, लेकिन मैंने देखा नहीं कि माँ बाप स्ट्रिक्ट है। जब आपके बच्चा कॉलेज जा रहा है, आप उसको एक नया बाइक ले रहे हो 1-1.5 लाख का, आप हेलमेट भी शायद खरीदते हो, लेकिन वो 2 दिन पहनता है, 3रे दिन पहनता नहीं है। और एक फनी चीज़ है कि आप देखोगे